जब रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने हत्या की है तो मेरे लिए इस केस में साबित करने को कुछ बचा ही नहीं। बेशक कैप्टन विकास रॉय ने यह साबित करने की कोशिश की कि रामचंद्र के साथ जुल्म हुआ है। अगर जुल्म हुआ भी है मिलोर, तो एक ऐसे समाज में जो कानून और नियमों पर टिका है, विरोध प्रकट करने के कई और रास्ते हैं, बहुत से तरीके हैं, किंतु नहीं। सवार रामचंद्र को तो सिर्फ एक रास्ता दिखाई दिया, हत्या का रास्ता। अगर मान भी लिया जाए मिलोर की इन दो अफसरों ने रामचंद्र के साथ ज्यादती की, उसे तंग किया, उसे गालियां दी, तो यह एक नैतिक जुर्म है। और वैसे भी गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता। मिलोर्ड सवार रामचंद्र आर्मी चीफ से शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। रामचंद्र सेना के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने वो भी जरूरी नहीं समझा। मिलोर्ड रामचंद्र ने दुनिया का सबसे जघन्य अपराध किया है मिलोर्ड, और वो अपराध है मानव हत्या का अपराध। मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है मिलोर्ड के सवार रामचंद्र पर चल रहे इस मुकदमे के लिए उसे इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के मुताबिक मृत्यु दंड मिलना चाहिए, सजाए मौत। दैट्स ऑल।